खाओगे नहीं आम? नहीं खाना, काट रहा इसको आधा, बिल्कुल नहीं खाना है, आप खाइए। ठीक है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज बदमाश कंपनी जल्दी तैयार हो रही है, सेकंड डे स्कूल का हैं क्या कर रहे हैं। हाँ सो गाइज ऑलमोस्ट रेडी है, हमेशा की तरह इनको लेके जाएंगे और ड्रॉप करके मैं चला जाऊँगा जिम। सो गाइज आ गए हैं किचन में और किचन में बन रहा है इनके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट, दिखाते हैं ये वापस ले आते हैं हमेशा। नहीं मिला उसमें का, अब नहीं का? ज्यादा दिन हो गया। किसमें का टिफिन नहीं मिला? इसमें का ये वाला देता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ ना रजना को। हम लोग की स्कूल में रखा रहता है, मान लो अगर किसी का मिस हो गया उनको, बल्कि जो प्रेयर होता है ना वहाँ अनाउंस करना चाहिए बेटा ये टिफिन किसका है। कुछ स्कूल के टीचर्स इतने लापरवाह होते हैं कि पूछो ही मत, टीचर्स लेके प्रिंसिपल से लेके, मतलब अगर कोई चीज़ अगर आपको लॉस्ट एंड फाउंड में मिला है तो आपको अनाउंस करना चाहिए कि, और प्रेयर में हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, हमें भी मालूम है स्कूल में हम लोग जब कोई चीज़ मिस होता था तो उसमें से जो हमारा पीटी टीचर हुआ करता था वो क्या करता था कि लॉस्ट एंड फाउंड की जितनी भी चीज़ें थी नेक्स्ट डे प्रेयर में, क्योंकि प्रेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा टीम, पूरे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल से लेकर सब हो जाते हैं, वो क्या करते थे अनाउंस करते थे कि ये टिफिन है ये किसका है, तो जिसका मिस हुआ होता भाई वो अपना बताएगा कि हाँ मेरा ही, लेकिन क्या बताया। चलिए कोई नहीं, हमारा भी वो समय था, बातचीत तो लोग सब एडवांस हो गए हैं, टीचर एडवांस हो गई हैं, प्रिंसिपल एडवांस हो गए, स्कूल एडवांस हो गया, बच्चे एडवांस हो गए, और हमारे घर में बच्चों की माँ एडवांस हो गई। रोटी वगैरह पैकिंग नहीं होता ब्रेकफास्ट में, ब्रेड सीधे फास्ट फूड ब्रेड मिल जाए। आप बोले हो क्या बेटा रखने के लिए, आप बोले हो क्या मम्मा को रखने के लिए ब्रेकफास्ट में? चलो जल्दी शू पहना दो, पहले जल्दी सुनो टाइम टेबल के साथ रख लीजिए सब। किसका है ये नोटबुक और ये किसका है? सुभांश पांडे का क्या है ये? सुभांश पांडे का क्या है? ये क्या है? आपको एक बार चेक करा दो टिफिन लो। उल्टा सीधा चीज बैग में नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके जाना, सही सही रखे हो पक्का? लैंग्वेज, मैथ्स, इंग्लिश, लिटरेचर, एबीएस, ड्राइंग, कंप्यूटर नहीं होगा? कंप्यूटर आज इसमें क्यों दे रहा है यार? मैंने आपको क्या बोला था, आपका टाइम टेबल यहाँ लगाने के लिए। हाँ फोन निकाल दिया, पिछली बार लगाया था फर्स्ट क्लास का नाम, सेकंड में आ गए, अभी लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए टाइम टेबल मैंने यहाँ लगाया था दोनों टेबल के बीच में। जो भी धूल मचा रहते हैं क्या? वो मैंने फाड़ दिया। अच्छा ऐसा है क्या? ओ हर हफ्ता चेंज होता है। निकल रहे हैं आप, सुगाइस एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये बड़े भाई साहब का जूता जो है ये देखिए, मेरा पैर देखिए, इनका जूता देखिए, बस आप कुछ दिन में कपड़े ही पहने लगेंगे, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना कपड़ा रखा पहनने के लिए, पता नहीं ये पहन के गायब, ये पहन के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। क्या नाम है? अनुष्का। अरे वाह, देख लो अभी सिंधी अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, ये नहीं है शिवांश का है। सो हे गाइस आ चुके हैं घर और आने में लेट हो गया, इसका रीजन थे भाई साहब सोनू जी, आज गाड़ी हम यही सोनू को हमने दे दिया था कि भाई चलो आओ जाओ कहीं कुछ काम करना है तो करो, उनके घर में पूजा थी, तो भाई साहब पूरा इलाहाबाद घूम लिए, हमको लाने गए थे वहाँ होटल, उनको हमारा होटल का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ स्टेशन, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए थे भाई साहब, तो आधा घंटा से एक घंटा उन्होंने अपना ख़राब किया,
उसके बाद पहुंचे अभी। तो भाई जा रहे हैं खाने के लिए, पता नहीं खाने में क्या है, मामा तो बोल रही है पता नहीं क्या क्या बना के रखी है, तो देखते हैं क्या है, जो होगा वो खाते हैं। हाँ सर, फोन कर रहे थे। मैडम वही हैं, पधारी अपने ससुराल का। सो गाइस, मैडम है अपने नैहर, अब जा रहे हैं दमाश्री अपने ससुराल खाना खाने के लिए डिनर। हालांकि मम्मा ने भी ऐसा यहाँ पूड़ी बनाया बता रही थी भर के, तो आधा पेट वहाँ खाया जाएगा आधा पेट यहाँ खाया जाएगा। सो गाइस, निकल रहे हैं घर के लिए। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? अरे थोड़ा करते करते हम ज़्यादा खा लिए। ये सब मैडम की वजह से, ये चावल की शौकीन और नहीं तो क्या। सो गाइस, आ गए हैं अब अपने घर ओवरलोड करके। उस ओवरलोड में अब हम खाएंगे आम, क्योंकि कितना भी पेट भरा हो आम तो भाई साहब, और खाएंगे बड़े वाले आम साहब, छोटे से काम नहीं चलेगा। बड़ा ये देखिए, बड़ा है। आज हम दोनों मिलके खाएंगे। खाओगी ना? ये देखिए। नहीं खाओगी? मम्मी पूरा बना रखी है। तुम्हें तो बोल रही थी बना गई थी। नहीं हाँ, मतलब थोड़ा सा डाल, बहुत ज्यादा बना कर रखी मम्मी। खाओगे नहीं आम? नहीं खाना है। काट रहा है इसको आधा। नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, आप खाइए। ठीक मैडम, नहीं खाएंगी अब मेरे हिस्से में पूरा। सो गाइस, ओवरलोड हो गया आज, दबा के खा लिया, रोटी खाया, ऊपर से चावल थोड़ा थोड़ा करते करते ज़्यादा हो गया, फिर घर आके आम खा लिया। अब तो बिल्कुल, जब तक तो बिस्तर पर लेटेंगे नहीं तब तक आराम नहीं मिलेगा। सो गाइस, मम्मी बच्चों के साथ सो चुकी है, अब ये है कि उनको जगाया ना जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए, तो फिर सुबह फिर मुश्किल हो जाएगा उठना। अब करेंगे इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।